अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ईद आने वाली है और ईद की जो है प्रेपरेशन चल रही है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छी रेसिपीज़ लो बजट में जो है शेयर कर सके। तो अफशा फूड्स में आज बनने जा रहा है मज़ेदार सा आलू कीमा। तो मैं हूँ अफशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर अफशा फूड्स पर। तो आज अफशा फूड्स पे बनाएंगे हम मज़ेदार सा ये आलू खीमा, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं खाने में, पराठे नान के साथ, चपाती के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो बहरहाल आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो जनाब रिक्वेस्ट करती चलूँ कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये तो भाई आपका प्यार होता है ना, हमारे और हौसला अफजाई भी हो जाती है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार से हमारे आलू खीमा। तो यहाँ मैंने लिए 3 मीडियम साइज़ की प्याज, 4 बड़े साइज़ के आलूओं को मैंने अच्छे से वॉश करके पील कर लिया और क्यूब्स में कटिंग कर ली। 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली। 1 kg मैंने यहाँ पे बीफ मिंस लिया है, आप मटन चिकन किसी में भी बना सकते हैं। साथ में जो ये मशीन का खीमा है, हाथ का कुटा हुआ नहीं है। आलूओं को अच्छे से मैंने वॉश करके, पानी के साथ वॉश करके रखा हुआ है ताकि ये ब्लैक ना पड़े, और प्याज वगैरह तमाम चीज़ें कटिंग करके रख ली हैं। तो इसमें जो मसाले वगैरह जाएंगे सब मैंने एक साथ करके रख लिया ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो लहसुन अदरक हमने जो है फ्रेशली कूट के रखना है। तो ये मैंने 1 tablespoon भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट रख लिया है। 1 teaspoon सॉल्ट है, 1 tablespoon कुटा हुआ धनिया है, 1 teaspoon जो है कसूरी मेथी है, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर है, 1 teaspoon जो है धनिया पाउडर है, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर है, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर है, 1 teaspoon गरम मसाला है और 1/2 teaspoon जो है ज़ीरा पाउडर भी है। तो ये तो हो गए हमारे मसाले जात। साथ में मैंने गार्निशिंग के लिए और बीच में भी हम यूज़ करेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया और यहाँ मज़ेदार एक रेसिपी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है मिंट, उसको भी हम ऐड करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन। पैन के अंदर हम डालेंगे 1 cup ऑयल, ऑयल अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लीजिए, 1/2 cup करना चाहें तो आप अपने हिसाब से। यहाँ 3-4 मैंने लौंग, 1 इलायची बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची और दालचीनी, साथ में जो है तेज़पात डाल लिया। क्रैकल होते ही मैंने प्याज को जो है फ्राई करना शुरू कर दिया। अब ये जैसे ही थोड़ा ट्रांसलूसेंट हुआ, थोड़ा पिंक हुआ, डार्क नहीं करना ताकि हमारा कीमा जो है अच्छे से कलर का बने। तो ऐड कर दिया था मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक, उसको अच्छे से भून लिया 2-3 मिनट। साथ में ऐड कर देंगे हम ये खीमा। खीमे की हमने इतनी अच्छी से भुनाई करनी है कि जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये सारा पानी इस स्टेज पे हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है, उसके बाद ही मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ धनिया, ज़ीरा, हल्दी, मिर्च, नमक और जो है कसूरी मेथी भी मैंने साथ में ही ऐड कर दिए, गरम मसाला भी साथ में ऐड है। तो खीमे की इतनी अच्छी से भुनाई हो गई, आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया। तो यहाँ जाता है सीक्रेट इंग्रेडिएंट मेरा मिंट, और ग्रीन चिली इस स्टेज पर डाल देंगे। साथ में ही हमने जो टमेटोज कट करके रखे थे उसको भी इसी में ऐड कर देंगे और अच्छी सी भुनाई करेंगे। हमने अभी तक ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने कोई पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया है, टमाटर का अपना पानी है जिससे खीमा अच्छे से वो हो जाएगा। हमें इतना पकाना है कि खीमा जो है आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाए। साथ में ही अब हम ऐड कर देंगे आलू, क्योंकि ये छोटे छोटे कटे हुए आलू हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो हमने थोड़ा सा इसकी भी भुनाई कर लेनी है। भुनाई खीमे की गोश्त की बहुत अच्छी करेंगे तो बहुत अच्छे से जो है आपका फ्लेवर निकल के आएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ ऑयल सेपरेट हो गया है, मैंने अभी तक पानी ऐड नहीं किया है। इसी हल्की मीडियम फ्लेम पे मैं जो है कुक कर रही हूँ और अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा तकरीबन 1 glass जो है डाला है मैंने पानी, 1 glass नहीं कहेंगे सॉरी 1 cup डाला है। ग्लास और कप में फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा मेजरमेंट के हिसाब से। तो मैंने 1 cup वाटर डाला, अच्छे से मिक्स किया और इसको लिड लगा के हल्की फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे इतना कि ऑयल सेपरेट हो जाए। अब आप देख लें कि इस स्टेज पे हमारा खीमा बिल्कुल रेडी है, हो गया है ऑलमोस्ट।
आलू भी हमारे गल गए हैं अच्छे से, और इसकी भी थोड़ी सी हल्की सी भुनाई कर लेंगे। दम वाली आंच पे 5-7 मिनट रखेंगे, साथ में गार्निश कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्च, और 2-4 मिनट मज़ीद हम इसको जो है दम पे लगा देंगे ताकि अच्छा सा ऑयल ऊपर की तरफ आ जाए, क्योंकि एशियन खानों में आपको पता है ऑयल की बीमारी है। तो बहरहाल ऑयल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जनाब अब डिश आउट की बारी आ गई है, तो मज़ेदार से जो है आलू खीमे को हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही लजीज बने थे, होपफुली कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो क्या करना है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है। बस आपने ये रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है, और मैं हमेशा आपको रिमाइंड करवाती रहूँगी। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताया करें। और जनाब तो ये हो गए बकरीद की, आप लोगों की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, होपफुली कि जो है मज़ा आ रहा होगा, सारे सब लोगों की प्रेपरेशन हो गई होंगी। तो बस अफशा को भी अपनी दुआओं में याद रखिए, अफशा फूड्स को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अफशा फूड्स को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। आप सभी के फीडबैक का जो है अफशा को इंतज़ार होता है, तो अपने कीमती मैसेजेस से जो है ज़रूर मुझे मैसेज किया करें। सो प्लीज़ कीप मैसेजिंग मी एंड कीप लविंग मी। तो जनाब अपना रखिए बहुत ख्याल, खुश रहिए, प्यार बांटिए और लोगों के लिए आसानियां बांटिए, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व तआला फिर आपके लिए आसानियां फरमाएगा। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी और से अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत ख्याल। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।